तो गाइस हमारा काम हो गया स्टार्ट। और देख सकते हैं लिल्लू भैया दो ठेमले लेके जा रहे हैं खरही पे। तो गाइस देख सकते हैं पीछे मामा खरही जमा रहे हैं और हमारी ये सीढ़ी भी उधर चल रही है दावन। तो दो आदमी उधर है अभी और ये चल रही है थ्रेसर। तो गाइस ये हमने लगाई है दूसरी खरही जो कि आप पीछे देख सकते हो एक बड़ी वाली खरही है जिस पे हमसे ठेमले ही नहीं फेंका रहे। तो हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो वापस से एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और फिलहाल हूँ मैं अभी खेत में जो कि आज आया था काम पे, बट मैं अभी इसके पहले दो दिन काम पे नहीं आया था और आज मेरा है छठवां दिन, बट दो दिन नहीं आया तो चौथा दिन है। और अभी मैं बता दूँ कि खेत में लगी है थ्रेसर। और गाइस आज थोड़ा अजीब ही लग रहा है क्योंकि मैं दो दिन से काम पे नहीं आया था, बट अभी आया हूँ तो थोड़ी थकान महसूस हो रही है अभी काम करते, क्योंकि आज हमको ठेमले उठाना है और आज अभी थ्रेसर भी लगी है इधर। तो गाइस मैं थ्रेसर भी बताता हूँ। और ये जो टुकड़े की थ्रेसर हो गई है अभी, तो गाइस देख सकते पीछे आप ये खरही है जो कि इधर के टुकड़े के हमने ठेमले उठाए थे और ये थ्रेसर लगी है, बट अभी थोड़ी सी सेटिंग कर रहे हैं थ्रेसर की और उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद में स्टार्ट होगी। और वहाँ पे है विनायक जीजा और मक्खन मामा और हम लोग जा रहे इधर ठेमले उठाने, क्योंकि थ्रेसर के पास में इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस हम लोग जा रहे थे उधर ठेमले उठाने क्योंकि और इतने लोगों की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है थ्रेसर के पास में। और वहाँ पे दो लोग है, एक कट्टी पकड़ेगा और एक दूसरा कट्टी से लेगा और उसके बाद जब घर लेके जाना रहेगा जब हम लोगों को बुलाया जाएगा, बट अभी अभी तो हम ठेमले उठाते हैं। और मेरे साथ में पीयूष और लिल्लू भैया और मदन मामा, ऐसे हम चार लोग हैं। तो एक लोग एक मदन मामा ऊपर खरही के ऊपर हो जाएंगे और पीयूष और मैं सीढ़ी से लेके आएंगे और जो भैया है लिल्लू भैया वो सिंगल लेके आएंगे, दो दो चार चार ठेमले। तो गाइस अभी यहाँ पे ज़्यादा दिन का काम नहीं बचा है, बट अभी दो तीन दिन का है ठेमले उठाना। और गाइस मैं बता दूँ आपको कि मैं दो दिन नहीं आया था, एक दिन मैं दोपहर को छुट्टी मार ली थी और एक दिन फुल गायब था, ऐसे डेढ़ दिन या दो दिन मैं गायब था। तो अभी आया हूँ मैं छठवें दिन, बट अभी ब्लॉक शुरुआत की है मैंने। और गाइस अभी लेके चलता हूँ वहाँ पे खरही पे जो कि हम नीचे के टुकड़े में देख सकते इधर वो खरही जमी है, वहाँ पे अपने को जाना है। और ये इतना इन लोगों ने उठाया है इधर का क्लीन, बट अभी अपन जाएंगे और तीन चार जन उठाएंगे वहाँ का। और अभी थ्रेसर भी चालू नहीं होगा गाइस, तो देख सकते गाइस इतना ये सारा कुछ इन लोगों ने उठा दिया और इधर साइड से बचा है कोने कोने का और ऐसे करके ऐसे कोने कोने में। और ये हमारा जब उठाना हो जाएगा ठेमले और हमको यहाँ से लाना पड़ता है सीढ़ी से, ये ठेमले यहाँ से लाके यहाँ पे रखना पड़ता है। तो गाइस अभी फाइनली अभी हम यहाँ पे पहुँच गए खरही के पास में और अब खाली सीढ़ी पकड़ते हैं और चलते हैं। बट कौन सीढ़ी पकड़ता है कौन ठेमले लाता वो तो नहीं पता, बट अभी वहाँ जाके ही पता चलेगा। और अभी करते हैं काम स्टार्ट क्योंकि पूरा तो कवर नहीं कर सकते क्योंकि अपन आए हैं काम पे। और इधर देख सकते हैं लिल्लू भैया और पीयूष भैया खड़े हैं इधर। तो गाइस हमारा काम हो गया स्टार्ट और देख सकते लिल्लू भैया दो ठेमले लेके जा रहे हैं खरही पे और अभी हमारी इधर लग गई सीढ़ी, बट अभी अपन इस पे रखते हैं ठेमले और फिर इसके बाद में लेके जाएंगे। तो गाइस अभी अपना ब्लॉग कुछ बीच बीच में आएगा क्योंकि हम लोग तीन लोग हैं और मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा, मगर जितना हो सके मेरे से उतना तो मैं पूरा कवर करूँगा। तो गाइस अभी कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो गाइस दो दिन से काम पे नहीं आया, तो गाइस अभी थोड़ा सा मेरे को थका थका सा लग रहा और काम करने का मन नहीं कर रहा, बट अभी करना पड़ेगा यार काम, क्योंकि अगर कंटिन्यू चलता था तो ऐसा थका थका महसूस नहीं करता था कंटिन्यू चलने से, बट अभी दो दिन मैंने गैप मार लिया बीच में तो इस वजह से थोड़ा थका थका महसूस कर रहा हूँ। और इधर गाइस हम बता दूँ कि हम तीन ही लोग हैं इसलिए अभी अलग ही लग रहा, नहीं थे सारे लोग छः सात लोग रहते तो मन भी लगता काम करने में, बट अभी
करते हैं। और अभी पानी वगैरह पीता हुआ और उसके बाद में फिर 5 मिनट आराम करें। तो गाइस फाइनली हमने पानी वगैरह पी लिया और ये जो गुंड देख रहे हैं आप, ये अपने को घर से लेके आया पीयूष उसके घर से, क्योंकि इधर पानी वगैरह है ही नहीं, कुआ भी खाली है। और अभी हो गया हमारा टाइम 5-10 मिनट, हमने यहाँ पर रेस्ट किया और अब कंटिन्यू करते हैं हमारा काम। तो गाइस देख सकते पीछे मामा खरे जमा रहे और हमारी ये सीढ़ी लिल्लू भैया और मैं, और हम सीढ़ी से लेके आ रहे हैं। और बता दो पीछे तो ये पीयूष 4 ठिमले लेके हाथ में जा रहा है, उसके साथ में कोई है नहीं तो वो भी निशानी से ढुआर था। बट अभी उधर चल रही है दावन, तो 2 आदमी उधर है। अभी जब तक दावन ख़त्म हो जाएगी फिर हमको भी उधर ही जाना पड़ेगा कट्टे ढुवारने, क्योंकि पानी वानी का मौसम हो जाता है पिछले पारक, तो इसलिए अभी कट्टे ढुवार। तो गाइस फाइनली हमारा हो गया है अभी उठाना और अभी हम जा रहे हैं घर। और मैं बता दूं आपको कि अभी बजा है 1:30 और हम जा रहे हैं अभी खाना खाने जो कि घर पे, और अब आएंगे 3 बजे। तो गाइस मैं इधर आया था अपना गुण लेने के लिए, क्योंकि इधर कोई रहेगा नहीं, क्या पता कोई गुंड लेके चल जाए। ये देख सकते इधर, तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं उधर खड़े साइड में। और ये भी पीयूष भैया के यहाँ की गुंड थी तो उसको दे दूंगा, और वो आएगा दोपहर को, तो दोपहर को आएगा तो वो भर के ला लेगा। तो अभी अपन थ्रेसर भी चालू है, तो गाइस उधर भी थ्रेसर भी ख़त्म हो गया शायद, बट हमको उससे कुछ नहीं। देख सकते हैं आप इधर, तो एक हरिया और पीयूष भैया लेके आ रहे ठेमले। अभी इधर आ गया था मैं जिधर थ्रेसर चालू है, उधर चलते देखते कितनी कट्टी हुई है, फिर जाएंगे खाना खाने हमें पीछे। तो गाइस देख सकते इधर चल रही है थ्रेसर और इधर कट्टी भर के रखी है, बट अपन देखते कितनी क्या भरी, कितना गेहूं हुआ इधर का। और ये भूसा, तो ये हमारे जवान उन भीड़े हैं अभी गेहूं भरने के लिए। ये हुई गाइस गेहूं, ये देख सकते गाइस। और ये चल रही है थ्रेसर, सबसे ज़्यादा ये 2 लोग मेहनत कर रहे हैं, जीजा और वो मामा, सारे सुबह से यहाँ पे क्या बोलते कट्टी भर रहे हैं दावन थ्रेसर। हम तो क्या बोलते 10 बजे आए, बट ये 2 जन सुबह से यहीं पे है। और देख सकते गाइस समथिंग 50-55 के आसपास कट्टी हुई है, और देख सकते ये चल रही है थ्रेसर। तो गाइस फाइनली हम घर से खेत आ गए थे जो कि खरे के पास में, और मैं और पीयूष हमारे दोनों को ढुहारने का बोला, बट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। और हमको यहाँ पे पन्नी बिछाना है अभी, ये देख सकते इधर पन्नी रखी है, ये पन्नी बिछाना है और इसके ऊपर रखना है, क्योंकि ये खरई हो गई है बहुत बड़ी, नीचे देख सकते खरई हो गई है बहुत बड़ी, तो उस पर ठेमले फिका नहीं रहे हैं। तो हमको इधर से थोड़े से इधर साइड से थोड़े से ठेमले 4-5 सीढ़ी का है, 4-5-6 सीढ़ी का, और वो लाके इसको पन्नी पे रखना है। और इधर का जो माल है, इधर के जो ठेमले वो दूसरा गेहूं है, तो उसको उधर ही साइड रखना है, इस वजह से अभी करते हैं। और बाकी लोग सारे उधर कट्टी भर रहे हैं ट्रैक्टर में, जो कि भर के घर लेके जाएंगे। तो गाइस अभी अपन पन्नी बिछाते और फिर करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इधर डल गई है पन्नी और हम जा रहे हैं इधर ठेमले लाने के लिए। और ज़्यादा नहीं है ये लमटी की ठेमले, बट इधर जो भी दिख रहे हैं ठेमले उधर लगेगी दूसरी खरई। तो गाइस अभी 4-5 सीढ़ी का बचा है, तो हम वो पन्नी पे डाल देते हैं, फिर वो जो हमारे साथ के हैं जो
अभी कट्टी भर रहे हैं, वो घर से कट्टी खाली करके आ जाएंगे और उसके बाद में उधर इधर जो पीछे ठेमले देख रहे हैं आप, उधर अपने को दूसरी खरे लगाना है। तो गाइस अभी करते हैं अपन वीडियो कंटिन्यू, क्योंकि अब हम दो ही लोग हैं, तो अभी करते हैं काम क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है। तो गाइस ये हमने लगाई है दूसरी खराई, जो कि आप पीछे देख सकते हो एक बड़ी वाली खरी है जिसपे हमसे ठेमले ही नहीं फेंका रहे। और क्या ही बोले यार, 2 घंटे हो गए, बट उधर से जो दावन की और जो कट्टी भर रहे वो अभी तक आए नहीं। तो गाइस हम दोनों ही हैं, पीयूष और मैं दोनों ही ठेमले ढुवा रहे, और हमको इधर अच्छा भी नहीं लग रहा और काम में भी मन नहीं लग रहा, क्या ही बोले यार गाइस। तो गाइस अभी हम ठेमले उठाने के बाद में हम घर पे जा रहे हैं कट्टी खाली करने, पट में अकेले जा रहा और मामा उधर है, अभी देखते। तो गाइस फाइनली अपन अभी आ गए हैं घर, जो कि आप देख सकते हैं, और मैं उधर ठेमले ढुवा रहा था, बट मेरे को वहाँ से काका जी ने घर की ओर भेजा जो कि कट्टी खाली करने, और फाइनली अभी हमने वहाँ पे कट्टी वगैरह काट ली, खाली कर दी ट्रैक्टर में से, 55 कट्टी हुई थी और गाइस खाली कर दी और डायरेक्टली हम इधर घर पे आ गए। तो गाइस अभी अपन बढ़िया से नहाते धोते और फ्रेश होते, क्योंकि दिन भर से काम किया है, अलग ही लगता है, नहा धो के फ्रेश हो जाओ तो बहुत अच्छी नींद आती है शाम में। बट आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाता रहूँगा। और गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए